देश दुनिया के इतिहास में 16 मार्च का दिन कई घटनाओं का गवाह बना। आज के दिन मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 100 शतक बनाने समेत कई बड़ी घटनाएं घटी। हम आपको अपने चैनल के माध्यम से इन घटनाओं की अहमियत से रूबरू करवाएंगे। इंदौर के होलकर वंश के प्रवर्तक मल्हार राव होलकर का जन्म आज ही के दिन 1693 में हुआ था। आज ही के दिन 1690 में फ्रांस के राजा लुईस 14वें ने आयरलैंड में अपनी सेना भेजी थी। 1846 में आज ही के दिन अमृतसर समझौते के मुताबिक कश्मीर का आधिपत्य जम्मू के हिंदू राजा गुलाब सिंह के अधीन कर दिया गया था। महात्मा गांधी के अनुयायी स्वतंत्रता सेनानी पोटी श्री रामुलू का जन्म आज ही के दिन 1901 में हुआ था। भारत के जाने माने शिक्षाविद और हिंदी साहित्यकार अंबिका प्रसाद दिब्य का जन्म आज ही के दिन 1906 में हुआ था। हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध खलनायक तथा फिल्म निर्माता दया किशन सप्रू का जन्म आज ही के दिन 1916 में हुआ था। अमेरिकी टेलीविजन पटकथा लेखक और नाटककार हार्डिंग लेमेका का जन्म आज ही के दिन 1922 में हुआ था। भारत के प्रसिद्ध कवि साहित्यकार अवध्या सिंह उपाध्याय का निधन आज ही के दिन 1947 में हुआ था। हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार विजयानंद त्रिपाठी का निधन आज ही के दिन 1955 में हुआ था। आज ही के दिन 1959 में इराक और सोवियत संघ ने आर्थिक एवं तकनीकी समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। 1966 में आज ही के दिन अमेरिका ने मानव युक्त अंतरिक्ष यान जेमिनी 8 लॉन्च किया था। आज ही के दिन 1976 में 8 सालों तक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और 13 वर्षों तक लेबर पार्टी के नेता रहे हैरल्ड विल्सन ने त्यागपत्र देकर सबको चौंका दिया था। 1982 में आज ही के दिन रूस ने पश्चिम यूरोप में नए परमाणु मिसाइलों की तैनाती रोकने की घोषणा की थी। आज ही के दिन 1989 में मिस्र में चिपोज के पिरामिड में 4400 साल पुरानी ममी मिली थी। 1995 में आज ही के दिन नासा के अंतरिक्ष यात्री नॉर्मन रूसी अंतरिक्ष स्टेशन मीर का दौरा करने वाले पहले अमेरिकी बने थे। आज ही के दिन 1998 में चीनी राष्ट्रपति जियांग जेमिन अगले कार्यकाल के लिए पुनः निर्वाचित हुए थे। 2006 में आज ही के दिन चुनाव के 3 महीने बाद इराक की नई संसद ने शपथ ग्रहण किया था। आज ही के दिन 2007 में दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेटर हर्सेल गिब्स ने एक ओवर में 6 छक्के लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया था। 2008 में आज ही के दिन परवेज मुशर्रफ ने पाकिस्तान में सजाए मौत पा चुके भारतीय नागरिक सरबजीत सिंह के डेथ वारंट पर हस्ताक्षर किए थे। आज ही के दिन 2009 में विदेश मंत्रालय में विशेष सचिव शरत सवरवाल को पाकिस्तान में भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया था। 2012 में आज ही के दिन भारत के मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 100 शतक बनाने वाले पहले खिलाड़ी बने थे। आज ही के दिन 2014 में यूक्रेन छोड़कर रूस में शामिल होने के पक्ष में क्रीमिया के लोगों ने मतदान किया था। आज के इतिहास में बस इतना ही। कल का इतिहास लेकर पुनः हाजिर होंगे। नमस्कार।